नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। किसी ने सच ही कहा है, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर का है, जहां जनपद के महिला थाने में एक प्रेमी जोड़ा समाज और परिवार की कैद से मुक्त होने के लिए थाने पहुंचा। एक दूसरे के प्रेम में पागल इस प्रेमी जोड़े का परिवार दोनों के प्रेम के बीच दुश्मन बना हुआ था, लेकिन प्यार में एक दूसरे पर मर मिटने की चाहत इस कदर थी कि कोई भी दीवार उनकी राह ना रोक सकी। प्रेमी जोड़े ने कानूनी सहारा लेते हुए सीधे अपनी बात महिला थाना में महिला थाना प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह के सामने रखी, तो पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों के परिवारों को थाने बुलाकर उनकी शादी करवा दी, जहां पुलिस वाले बने घराती और बाराती और सभी रस्मों और रीति रिवाज के साथ नवदंपत्ति की विदाई कराई गई। आपको बताते चले कि प्रेमी अरविंद चौरसिया जिले गोहड़ी गांव का निवासी है, जबकि प्रेमिका जनपद गोरखपुर के जिगना गांव की रहने वाली है। सरिता और अरविंद दोनों ही अलग अलग जाति के हैं और जात पात की बेड़ियों से अलग एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अलग अलग जात के होने की वजह से दोनों का प्यार परिवार के लिए दुश्मन बन चुका था और किसी की भी परवाह किए बगैर दोनों ने महिला थाने पहुंचकर महिला थाना प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह से अपनी मोहब्बत की कहानी बतलाई। पुलिस ने दोनों के परिवार को थाने में बुलाकर समझा बुझाकर शादी करवा दी। पुलिस के सराहनीय कार्य से आसपास के लोग काफी खुश हैं। तो इसके घर वाले राजी थे, मेरे घर वाले राजी नहीं थे, तो हम लोग शादी किए कोर्ट में। क्या कोई डर था? क्या नहीं डर था, मेरे घर वाले धमकी दे रहे थे। कि क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि कोर्ट का कागज भी चाहिए। हाँ। और शादी करना छोड़ दोगे, ये कर दोगे। सरता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था करीब 3 साल से, और हम उससे शादी करना चाहते थे। हमारे माँ बाप मतलब राजी नहीं थे, और हम एक अप्लीकेशन लेके महिला थाने पे आए और यहाँ डॉक्टर शालिनी सिंह से बोले, तो मैडम ने हमारा मतलब रिक्वेस्ट सुना और हमारे परिवार को मतलब समझाया और हमारा यहाँ शादी करवाई। शाम को करीब 4 बजे सरिता चौरसिया और अरविंद चौरसिया मेरे पास आए थे। तो सरिता चौरसिया की तरफ से एक एप्लीकेशन थी कि हम दोनों विगत 3 वर्षों से एक दूसरे के साथ, हम दोनों का एक दूसरे से अफेयर है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप इस शादी को होने नहीं दे रहे हैं तथा उनसे हमको अपनी जान का खतरा है। फिर दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों लोग सेम बिरादरी के हैं। सरिता के रिश्तेदार के ही लड़के हैं अरविंद। मैंने पूछा है कि आप कहाँ से खिलाएंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं नौकरी करता हूँ और 15,000 रुपये पाता हूँ तथा इनके माँ बाप भी आ गए। तो लड़के के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था, लड़की के माँ बाप नहीं आए। इन दोनों की इच्छा पे यहीं पे इन दोनों की शादी कराई गई। और शुभकामनाएँ हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी कि इन लोगों की जो आने वाली लाइफ है वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो। दो बालिक हैं, दोनों के सर्टिफिकेट देखे गए हैं। अरविंद की उम्र 24 साल है और सरिता की उम्र 22 साल है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरेश प्रजापति के साथ जनपद संत कबीर नगर से सहयोगी रवि कुमार की रिपोर्ट।